हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ ब्यूटी ट्रीट में। फ्रेंड्स, सर्दी आते ही हमारी स्किन पर ड्राइनेस, रफनेस एंड कालापन आने लगता है। स्किन डल हो जाती है, ग्लो चला जाता है। लेकिन अगर आप सर्दी आने से पहले ही ये लगाना शुरू कर देंगे सो ट्रस्ट मी गाइज, आपकी स्किन सर्दियों में रूखी सूखी ड्राई ना होकर स्किन सॉफ्ट, स्मूथ एंड ग्लोइंग बनी रहेगी। जिसके लिए आपने सबसे पहले एक खाली कंटेनर लेकर उसमें एक चम्मच के करीब एलोवेरा जेल डाल देना है। फ्रेंड्स, एलोवेरा में कुछ ऐसी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो स्किन में मॉइस्चर को लंबे समय तक लॉक करके रखती हैं, जिससे स्किन सर्दियों में भी सॉफ्ट स्मूथ बनी रहती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन, तकरीबन हाफ चम्मच। ग्लिसरीन सर्दियों का वेरी मोस्ट इंग्रेडिएंट जो स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाने के साथ स्किन की हाइड्रेटिंग पावर को बढ़ाता है, जिससे स्किन लंबे समय तक हेल्दी एंड ग्लोइंग बनी रहती है। इसके बाद जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई कैप्सूल। जी हाँ, स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाने के लिए विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। तो विटामिन ई कैप्सूल हम इसमें एक ऐड करेंगे। फाइनली हम इसमें इतना रोज वाटर ऐड करेंगे जितने में ये बोतल फिल हो जाए। देखिए, हमारी बोतल फिल हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से शेक करते हुए मिक्स कर लेंगे और फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही कम टाइम में हमारा ये सीरम बनकर तैयार हो जाता है, जिसे आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो अब आपने इसे कब और कैसे अप्लाई करना है, आइए मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, नाइट में सोने से पहले फेस को वॉश करके आपने इसे ठंडा ठंडा अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। मसाज करनी है जब तक आपकी स्किन में अच्छे से एब्जर्व ना हो जाए। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सीरम है आपकी स्किन को सर्दियों में सॉफ्ट, स्मूथ, हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाए रखने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए। सो ट्राई जरूर करें। आई होप गर्ल्स आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।